जंग में फंसी 41 जिंदगी। ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी जान बचाए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। गडकरी जी ने दिलाया विश्वास, नहीं आने देंगे हम किसी पर भी आंच। घना अंधेरा, टॉर्च की रोशनी में काम, कमर में बंधे बेल्ट में टंगी बैटरी, उस बैटरी से तार के सहारे जुड़ा टॉर्च, अगर बंद हो जाए तो खुद का हाथ भी ना दिखे। जमीन के अंदर यानी खान और सुरंगों में शौचालय की व्यवस्था नहीं होती, फोन नहीं ले जा सकते, खाने का टिफिन भी नहीं ले जाया जा सकता, काम के दौरान बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं, और कुछ ऐसी होती है धरती की सतह से कई मीटर अंदर गहरी खान या सुरंग में काम करने वाले मजदूर की जिंदगी। और इस समय ऐसी ही कुछ जिंदगियां उत्तरकाशी में टनल के अंदर फंसी है। जी हाँ, पिछले एक हफ्ते से उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलखियारा बरकोट सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के प्रयासों में काम अब भी जारी है। एक पाइप के जरिए इन मजदूरों को अंदर खाना पानी सब पहुँचाया जा रहा है, ड्रिलिंग का काम जारी है, बड़ी बड़ी मशीनें मंगवाई गई हैं, पर अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। उत्तरकाशी में टनल एक्सपर्ट भी पहुंच चुके हैं, कहीं प्रेयर्स की जा रही हैं, तो कहीं सुरंग के बाहर मंदिर तक की स्थापना कर दी गई है। मजदूरों के परिजनों का हौसला डगमगा रहा है, पर केंद्रीय परिवहन मंत्री ने विश्वास दिलाया है कि हम किसी को भी कुछ नहीं होने देंगे। पिछले 7-8 दिनों से इस आपदा का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है, और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। आज करीब दो घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। विशेष रूप से जो टेरिन है हिमालय का, इसमें एक प्रकार का स्ट्राटा नहीं है। जियोलॉजी में अलग अलग रॉक के लिए अलग अलग प्रकार का हार्डनेस होता है, जैसे टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, अर्थोक्लेट, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। यहाँ क्या है कि बीच में सॉफ्ट है, एकदम हार्ड है, तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है। और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो लोग अटके हुए हैं अंदर में, उनको हम मेडिसिन और विशेष रूप से जो फूड है वो उनके पास पहुंचा पाए और उनसे कम्युनिकेशन प्रस्तावित करें। पहले एक लाइन थी, अब स्पेयर में और दूसरी एक लाइन हमने करके रखी है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको आने वाले समय में फूड पहुँचाने में, मेडिसिन पहुँचाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑक्सीजन की लाइन भी है, और हम इस प्रकार से पूरा पहली बात यह कर रहे हैं कि उनकी रक्षा कैसे करें, उनकी जो आवश्यकता है वो उनको कैसे मिले। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी जान बचाए। बताया जा रहा है कि कई प्रयासों में असफलताओं के बाद अधिकारियों ने 5 सूत्री योजना बनाई है, जिसमें 3 तरफ से ड्रिलिंग होगी। जिस पहाड़ी के नीचे मजदूर फंसे हैं उसके ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग ऑपरेशन होगा। इस योजना के अनुसार सिलखियारा की ओर से सुरंग की अवरुद्ध करने वाले मलबे के माध्यम से क्षैतिज रूप से ड्रिल करने का प्रयास जारी रहेगा, और बारकोट की ओर से एक छोटी सुरंग को ड्रिल करने का ऑपरेशन भी किया जाएगा। तो इस सब से विश्वास जरूर है कि मजदूरों के जीवन को बचाया जाएगा, और हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन में हमें सफलता मिले, क्योंकि टनल के अंदर फंसे उन श्रमिकों की हालत और बाहर खड़े उनके परिजनों और देश दुनिया में बाकी दुआएं मांगने वाले लोगों की हालत एक सी है, लेकिन विश्वास और उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि ऑपरेशन जल्द से जल्द सफल हो। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं हूं ठाकुर प्रसाद, सिंगरा गांव, दसकोज तालुका, अहमदाबाद, गुजरात से। ट्रांसपोर्ट मॉल जिसका वर्कशॉप नंबर है 90831 90831। सभी ड्राइवर भाई, सभी मोटर मालिक, सभी ट्रांसपोर्ट मालिकों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, क्योंकि हम सब भाइयों ने अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराई है। आपकी हर जोखिम ट्रांसपोर्ट मॉल उठाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।